मध्यरा खबर को स्वागत करूछि मुनि वेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो केदारनाथ रे आदि शंकराचार्य को मूर्ति रो लोकार्पण कले प्रधानमंत्री धाम सह जड़ित विभिन्न विकासमुखी कार्य रो शिलान्यास कले देशवासी को संबोधन रे बुझाइले आदि गुरु को योगदान सकाळ पहुंचिबा परे करथिले रुद्राभिषेक पूजा भिन्नता मध्ये एकता बजाय पई केदारनाथ रे मोदी को पूजा अर्चना पारती ज्योतिर्लिंग और चारोटी धाम को गोटे सूत्र में बांधिबा को प्रयास श्रीक्षेत्र द्वारका बद्रीनाथ और रामेश्वर रे वीसी रे स्वतंत्र कार्यक्रम श्रीक्षेत्र में उपस्थित थिले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र कलाहांडी सनसाइन स्कूल शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्या घटना परिवार को न्याय दाबी सहित कैप्टेन को बहिष्कार दाबी रे बीजेपी पक्ष जगत सिंहपुर थाना घेराउ थाना आगे विक्षोभ प्रदर्शन सह राज्य सरकार को विरोध में नाराबाजी बालीगुड़ा चिकित्सालय में भूल इंजेक्शन जोगु व्यक्ति मृत्यु घटना प्रतिवाद रे कंधमाल जातीय राजपथ 69 अवरोध करने सहित बालीगुड़ा मेडिकल सामने रास्ता रोक 50 लाख क्षतिपूरण सह सठिक तदंत दावी ब्रह्मपुर पानी फैक्ट्री निकट अघटन पूर्वतन सरपंच को निर्मम हत्या अभियोग मृतक अंतेर पूर्वतन सरपंच प्रदीप विश्वई पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर हत्या कर सन्देह ग्राहक को आश्वस्ति केन्द्र पर राज्य सरकार 3 टंका वाट ह्रास करने शुक्रवार मध्यरात्रि डीजल और पेट्रोल नुआ दर लागू उभयर दाम आहुरी 3 टंका लेखाएं सस्ता पूर्व गुरुवार तैल दर उपर उत्पाद शुल्क कमाइले केन्द्र सरकार टीका बदल में क्याप्सूल खाइबे संक्रमित यूके रे अनुमोदित होला विश्व प्रथम कोविड पिल आगक कोविड चिकित्सा रे साजी पारे गेम चेंजर क्लिनिकल ट्रायल रे निरापद एवं फलप्रद सब्यस्त होई पिल एवं गृहराष्ट्र मंत्री दिव्यशंकर मिश्रा नारे सांघातिक अभियोग आणिले वरिष्ठ कांग्रेस नेता भक्त दास सर्वश्रेष्ठ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिव्यशंकर को भक्तों सीधा सीधा टार्गेट कैप्टेन निज जीवनशैली बदलाई कहले भक्त प्रधानमंत्री केदारनाथ गस्त यह अवसर में आदिगुरु शंकराचार्य प्रतिमूर्तिर अनावरण कर मोदी अनावरण पर किसी समय सेठे बसी साधना करते पीएम अनेक विकासमुखी योजनार शिलान्यास पर देशवासी संबोधित करते मोदी जो प्रधानमंत्री कही तांडव पर केदारनाथ गौरव फेरी से भाग्यशाली जे सेवा कर सुजोग मिली बरफ वर्षा भितर अटकी नथिला काम नाश विनाश ठू दूर आम परंपरा भारत दर्शन मानव कल्याण कथा कहे आई मानव कल्याण कथार अर्थ बुझाई शंकराचार्य आदि शंकराचार्य भारतीय परंपरा रे प्राण भरी मठ पीढ़ी पर पीढ़ी मार्गदर्शन कर आज समय शंकराचार्य ज्ञान प्रासंगिक अयोध्या क्याशी बुद्ध सर्किट्र कार्य आगे चली श्रीराम जोड़ी होता सबु स्थान को जोड़ा प्रयास सका केदारनाथ में पहुंचा पर गर्भगृह पूजार्चना सह रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करते मोदी नंदी और मंदिर परिक्रमा करते प्रधानमंत्री आज सभी मठों सभी 12 ज्योतिर्लिंगों अनेक शिवालय अनेक शक्तिधाम अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष पूज्य संतगण पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मनीषी
और अनेक श्रद्धालु भी देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां पर ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेबे प्रधानमंत्री को कार्यक्रम में देशर विभिन्न स्थान चारिधाम तथा बार ज्योतिर्लिंग पीठर बहु साधु संत साधारण जनता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम जोड़ी होते श्रीक्षेत्र पुरी स्थित सदाशिव केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ठारे एक कार्यक्रम अनुष्ठित होई। कार्यक्रम में केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोगदे केन्द्र शिक्षामंत्री समेत बीजेपी राष्ट्रीय उपसभापति बैजयंत पंडा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र प्रभगिरी विधायक ललितेन्दु विद्याधर महापात्र पुरी विधायक जयंत कुमार षडंगी प्रमुख उपस्थित रही थे। आम समस्त गौरव विषय देशर प्रधानमंत्री जितेबले समग्र समाज आस्था केदार बाबा पाखे निजर पूजा अर्चना करी समर्पण भाव देखले भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा भारतीय विचार पद्धतिर जहाँ को कि अढ़ाई हजार वर्ष पूर्वर आदि शंकराचार्य कम बयस चारिधाम प्रतिष्ठा करते वेद उपनिषद वाचन करते परिप्रकाशित करते समाज से गोटे दुई छकी ठिया होता आमर गोवर्धन पीठ से आम समस्ते आज एकाठी होती गोवर्धन पीठ को भी पूज्य शंकराचार्य आसिक पीठर मान्यता दे पीठ स्थापित करते एकविंश शताब्दी रे भारत एक वैश्विक महाशक्ति परिणत हो आज कार्यक्रम गोटे बड़ प्रतिफलन दिन ये विषय को लेकिन माननीय आमर मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सांगे चर्चा होथाशीघ्र आमर मठ मंदिर जो माने आधिपति रही आमर पूजनीय माने दिल्ली आसी ये विषय चर्चा करेंगे जहाँ हो पार आम कर कंधमाल जातीय राजपथ 69 अवरोध बालीगुड़ा मेडिकल सामने रास्ता रोक ब्रह्मपुर रायगड़ा मुख्य रास्ता बंद गत राति बालीगुड़ा चिकित्सालय चिकित्सा त्रुटि और भूल इंजेक्शन व्यक्ति मृत्यु होता गुरुतर अभियोग होता है। याकने स्थानीय बासिंदा पक्षर् क्षतिपूरण दाबी रास्ता रोक हो 50 लाख क्षतिपूरण सह सठिक तदंत और परिवार जन को चाकरी देवाई दावी हो मृतक हेले सोलागुड़ा पंचायत तेरेलेपंगा गाँव रविचंद्र दिगाल रविचंद्र प्रथम ज्वर से आक्रांत होगा बालीगुड़ा हॉस्पिटल को काल संध्या समय चिकित्सा पाई आसी ब्रह्मपुर प्रतिनिधि पीतांबर नाहक आम सहित फोन लाइन चौकी जो जोड़ी होती तेज पीतांबर कौन रही पूरा घटना एवं प्रकृत में जो व्यक्ति मृत्यु होती भूल इंजेक्शन यार कारण ना अन्य किछि जो भली भाव स्थानीय लोके प्रतिवाद करछंती किछि प्रतिश्रुति मिलूछि
निश्चित भाव कहीपर गत का रातिर घटना जिते बड़े गत का राति में बालीगुड़ा उपखंड चिकित्सालय को जड़े व्यक्ति आसते ज्वर हो किंतु जांचवा परे से किसी समय चिकित्सा होता और चिकित्सा त्रुटि और भूल इंजेक्शन जो मृत्यु होता पर लोक अभोग कले अभोग कले मृत्यु पर जिते बड़े डाक्तर को प्रेस्क्रिप्शन मागिले कौन इंजेक्शन दि जाता कौन मेडिसिन दि जाता कितु डाक्तर दवा को राजी होन परवर्त समय पर पक्षर अभोग है गत का राति में मेडिकल परिसर में चापा उत्तेजना लगि रहा शह शह जनसाधारण एकत्रित होकर दाबी जन परवर्त समय आज सका सुधा जेहेतु शव व्यवच्छेद कराई सका सुधा स्थानीय लोकों कथा कह पर संपर्क कथा कह समे एकत्रित बालीगुड़ार मुख्य रास्ता कह जा मेडिकल परिसर आगे संपूर्ण भाव धारणा दे विशेष भाव से क्षतिपूरण दाबी एवं जो भाव में जन को हूं तो पर पक्षर कौन एक काम दि जाऊँ भाव में जो रिपोर्ट को सार्वजनीन करा डाक्तरी टीम अणाऊ कहीं जो भाव में राजनीतिक दल मैंने विभिन्न नेता मैंने सामिल होती आंदोलन में विशेष भाव ब्रह्मपुर सहर अर्थात गंजाम रु रायगढ़ जो रास्ता रही रास्ता को संपूर्ण भाव बंद कर दि जाए जहां को लेकिन उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि होती एभली स्थित दीर्घ दिन दाबी से मिला भल डाक्तर टी आसु मेडिकल को किंतु जेहेतु दीर्घ दिन आस ना जहां को लेकिन आंदोलन बर्तमान लगी रही बर्तमान समय पीतांबर जमी आप प्रकृत में त्रुटि कौटी रही कहीं देखू ज्वर होता मेडिकल भर्ती कराइला कारण कौन ता सार्वजन करपटे जो मेडिकल ना से अभोग आनी मेडिकल पक्षर कौन स्पष्टीकरण रखा जा मेडिकल चिकित्सा अधिकारी कौन प्रतिक्रिया रखुं बाबद त्रुटि विच्युति कौटी रहा देखो मेडिकल जो डाक्तर अच्छा तीन जन डाक्तर अच्छा किंतु स्पेशलिस्ट भाव में जब देखा अभिज्ञतापन्न डाक्तर कहीं ना विशेष भाव से ही तीन जन राति किए ड्यूटी से इंजेक्शन किए प्रेस्क्रिप्शन लिखी एपर्तंत स्पष्ट होना जेहेतु प्रेस्क्रिप्शन कागज टी डाक्तर मैंने दवा देना पर लोक से पर लोक अभोग कर जे यार चिकित्सा किए कर तदंत हबार आवश्यकता रही से संपुक्त डाक्तर विरोध में आक्शन नबार आवश्यकता रही तो निश्चित भाव जेहेतु जातीय राजपथ संपूर्ण भाव अवरोध करापा उत्तेजना लगि रही किसी समय पर पुलिस घटनास्थल में पहुंची तो से किसी समय पर जना पड़ब जे त्रुटि कौटी रही प्रेस्क्रिप्शन सत कौन यह सब जना पड़ निवेश ओके बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर नायक ब्रह्मपुर प्रतिनिधि जे आमको सूचना दौले जे पुलिस पहुंची तदंत चली किसी समय पर हे तो स्पष्ट हो पार जे भूल इंजेक्शन जो प्रकृत में संप्रक्त व्यक्ति मृत्यु होना अगर कौन कारण एपटे जातीय राजपथ अवरोध कर स्थानीय बासिंदा क्षतिपूरण दाबी सहित पर जन को चाकरी देवाई दावी कर ममिता मेहर हत्या घटना दिनक दिन कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र उपदेह बढ़िवे लगी सबुठ प्रतिवाद और विक्षोभ हो ममिता हत्या घटना रे कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र रिंग मास्टर बोली कहते पूर्वतन कांग्रेस मंत्री सुरेन्द्र सिंह भोई मुख्यमंत्री कैप्टेन को बहिष्कार नक कहीं आठ तारीख में कलाहांडी आसुचंती बोली प्रश्न उठाई पूर्वतन मंत्री सुरेन्द्र सिंह भोई देख जेनटा कि आपंकर महालिंगेशनटा जेनटा ममिता मेहर को जेन हत्या करागला यहाँ कांग्रेस दल हिं लोकलोचन को आनी आम कंटाजी विधायक सतोष चारूजा ही लोकलोचन को आनी एपरी गोटे कांड घटना घटू महालिंग कलेज आपणकर जेनटा आरंभ है तार सागे सागे एवं जो नवीन पट्टनायक जेन कलाहांडी ग्रस्त आठ तारीख जदि कर एक्चुअली मंत्री को बरखास्त करचुअली कलाहांडी आबार कथा तो से कहीं क्या क्या आसुचन मोर कहार मान हूँ मंत्री को बाहर करी कलाहांडी जदि आसते बोले लोक समर्थन करेंगे जदि मंत्री को बाहर न करी जदि नवीन पट्टनायक कांग्रेस दल तरफ आम तीव्र विरोध करमु भुवनेश्वर लुटेरा को निर्धुम छेचिले लोके यापर पुलिस जिमा देखते किसी घटना देखा मिली शहीदनगर अंचल सका शहीदनगर अंचल चेन स्नाचिंग करुथिले दुई लुटेरा और लुट कर घटनास्थल जड़े फेरार होता बेले अन्य जड़े लुटेरा को धरी पकड़ते स्थानीय बासिंदा घटनास्थल में शहीदनगर थाना पुलिस पहुंची जड़े लुटेरा को गिरफ्त कर
पूर्वतन सरपंच को निर्मम भाव हत्या करणास्त्र हाड़ी दुर्वृत्त पूर्व शत्रुतारु हत्या कर सन्देह कर ब्रह्मपुर अंतर्गत सुकुंडा पानी फैक्ट्री निकट अघटन घटी मृतक हेले अंतर पूर्वतन सरपंच प्रदीप विश्वई किसी दिन तले से जेल रु पारोल आ सूचना मिली राजधानी उपकंठ बालियंता निकट पुरी मुख्य केनाल भितर को कार खसी घटना जड़ंकर मृतदेह को ठाप कला अग्निशम विभाग मृतक जड़क राजस्थान संदीप कुमार एवं अन्य जड़कर पत्ता मिलनी बुधवार विलंबित रात एक कार दुर्घटना घटी केनाल भितर को खसी पड़ता कार भितर दुईज जमापड़ा खबर पाई अग्निशम विभाग घटनास्थल में पहुंची कार को उद्धार करने निखोज युवक को खोजा आरंभ कर कलाहांडी सनशाइन स्कूल और शिक्षयत्री ममिता मेहर हत्या घटना न्याय प्रदान दाबी जगत सिंहपुर थाना घेराव कर भारतीय जनता पार्टी मंत्री दिव्यशंकर मिश्रा को बहिष्कार और इस्तफा दावी शताधिक बीजेपी कर्मी थाना सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करते जिला बीजेपी सभापति सत्यव्रत महापात्र नेतृत्व में थाना आगे विक्षोभ प्रदर्शन सह राज्य सरकार विरोध में नाराबाजी करने मंत्री को तुरंत बहिष्कार दावी कर ममिता मेहर हत्या घटना रे मिला गुरुत्वपूर्ण तथ्य गोविंद साहू ममिता को हत्या करिबा परे टायर पाई फोन करिथिला विवेक अग्रवाल नामक व्यक्ति को टायर पाई फोन करिथिला गोविंद जा बर्तमान समय ब्रेकिंग न्यूज अर्थात बड़ खबर आसी पहुंची ममिता मेहर हत्या घटना रे जे ममिता को मारिबा पई अर्थात ममिता को हत्या करिबा परे टायर पाई फोन करिथिला विवेक अग्रवाल नामक व्यक्ति को जहां खबर आसुची गोविंद साहू जे की हत्या करिथिला जे की मुख्य अभियुक्त ममिता को जे हत्या करथिला सीए फोन करिथिला टायर पई जे रहिछि विवेक अग्रवाल नामक जने व्यक्ति को अधिक आलोचना करबा बलांगीर प्रतिनिधि तरुण साहू आम सहित जोड़े चंती तरुण नुआ कथा सामना को आसुची जे विवेक अग्रवाल किए एवं ताकु काहे के टायर पई फोन करा जाइथिला किछि अपडेट देबा को चाहिबे बाबत रे देखु निवेदिता गत आठ तारीख में ममिता मेहर को हत्या करने गोविंद साहू निजे मारी पड़ा और पोति नहीं पुलिस निकट में पूर्व बयान रखी था किंतु सेतेबेले जो जेसीबी ड्राइवर को उठाई था और तार जो व्यक्तिगत ड्राइवर राभेचंदी को पुलिस उठाई तदंत कर किंतु ठीक से ही समय पुलिस तदंत प्रक्रिया किसी कांश में बाधा प्राप्त होता किंतु आज सब बड़ खबर जहां सूचना आसुचे ममिता मेहर को हत्या कर सारे गोविंद मेहर गोविंद साहू सही आठ तारीख बारटा तीस मिनिट समय गोविंद विवेक अग्रवाल नामक जन व्यक्ति को फोन करते जे टायर बिकती दुईट टायर नहीं सूचना मिलू से टायर साहय ममिता मेहर को हत्या कर सारे पोति थे गात पोड़े जहां सूचना आसेक अग्रवाल नामक व्यक्ति शहे एकसठी बयान आधार यही तथ्य आसूसी निवेदिता तेबे जानिबा को चाहिबो तरुण जे टायर रो कोन आवश्यकता पड़ीथिला एवं स्पेसिफिक केउ समय रो केउ समय भितरे गोविंद साहू फोन करथिला विवेक अग्रवाल को देखु निवेदिता जत बेले ममिता मेहर को हत्या करी सारिबा परे पूर्वरु जेतु खोला जाइथिला गात एवं सेई गात रे जत बेले कार्डबोर्ड पका जाइथिला एवं सब को कम समय भितरे पड़िया पई टायर रो सहाय्य नैथिला गोविंद साहू एवं सही टायर को सी तार ड्राइवर हाथ में ही विवेक अग्रवाल ठारू आनिबा को फोन करितिला सही आठ तारीख बारटा तीस मिनिट समय जहाँ विवेक अग्रवाल वर्तमान बयान दौंस ही गोविंद साहू टायर नहीं टायर पर गोविंद साहू निजे मोबाइल रु बारटा तीस फोन करितिला सूचना मिलुची एवं जेहेतु गात खोला जाइथिला गात रे प्रथमे टायर पका जाइथिला तार पर कार्डबोर्ड पका जाइथिला एवं किरोसिन बा पेट्रोल डाली की जला जाइथिला
ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡିଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ତା ଉପରେ ପରଦିନ ହିଁ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ସେହି ଗାତକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଯାହା ଗାତରୁ ମମିତା ମେହର ଅଂଶବିଶେଷ ବାହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସୁନା ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ପୋଡି ଯାଇଥିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ଟାୟାର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲା ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ତାରିଖ 8 ତାରିଖରେ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଟାୟାର ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଟାୟାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଟାୟାର ନେଇଥିବା ନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ତେବେ ତରୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଟାୟାର କିଣିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତେବେ କେମିତି ପୋଲିସ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଏ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସକୁ କିଏ ଦେଲା? ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ମୋବାଇଲରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେବଳ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଫୋନ କରିଥିଲା ଟାୟାର ପାଇଁ ନା ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଡ୍ରାଇଭର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସିମ୍ ରିଜେକ୍ସନ ପାଇଁ ନେଲା, ସେତେବେଳେ ଜେସିବି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା, କାର୍ଡବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଟାୟାର କଥା କହୁଛି ଟାୟାରର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେଇ ମାଟି ତଳେ ହିଁ କଳା ରଙ୍ଗର ଯୋଉ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କଳା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରିବା କଥା ଏବଂ ଯୋଉ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିକି ପଚରା ଉଚରା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଟାୟାର ଦେଇଥିବା ନେଇ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟାନ ଆଧାରରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରିପାରେ ପୋଲିସ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏକାକୀ ମମିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଏକୁଟିଆ ନା ତାକୁ କିଏ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ରାଧେକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନେଇଛି। ତେବେ ତରୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଟାୟାର କିଣିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଟାୟାର ଦେବାରେ ସେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ନା ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପଛରେ ବି ଇଏ ସହଯୋଗ କରିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ 8 ତାରିଖରେ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିବା ପରେ ଟାୟାର ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରିକି ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଏ ହତ୍ୟାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ହିସାବରେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋତି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପୋତିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶବ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲା, ବ୍ୟାରେକରୁ ଫେରାର ମାରିଲା, ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଧରା ହେଲା ଏବଂ ଧରା ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେହି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଶବ ପୋତା ଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ତରୁଣ, ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ନୂଆ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ 2 କିଣିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଟାୟାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ କେବଳ ଟାୟାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ନା ମମିତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତରୁଣ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଦାସଙ୍କ ଆମକୁ ଏହି ବଡ଼ ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ମୋତେ ବିଦା ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।